कैरेबिया में वैज्ञानिकों ने खोजा दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा बैक्टीरिया। मृत समझे गया 26/11 हमले का साजिशकर्ता पाकिस्तान में गिरफ्तार। ई पासपोर्ट जारी करेगा भारत, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा सुरक्षित और होगी आसान, जयशंकर। शिवसेना को खत्म करना भाजपा का मकसद, हिंदू वोट बैंक नहीं करना चाहती साझा, महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे। मेरे पास जो विभाग था वह शिंदे को दिया, उनके लिए सब कुछ किया, महाराष्ट्र के सीएम ठाकरे। शिवसेना के बागी विधायक मंगेश कुड़ालकर के कार्यालय में की गई तोड़फोड़, मुंबई स्थित आवास में की गई तोड़फोड़। कैंसर से पीड़ित हूं लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने नहीं की कभी कोई परवाह, शिवसेना की बागी विधायक यामिनी जाधव। महाराष्ट्र सियासी संकट पर तेजस्वी यादव बोले, भाजपा दबाव बनाती है, डराती है या खरीदती है। राहुल के वाई नॉट ऑफिस में तोड़फोड़ पर सीएम विजयन ने कहा, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेंगे। भारत में बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 15,940 नए केस मिले, 12,425 लोग संक्रमण से उभरे। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,205 नए मामले आए सामने, सक्रिय मामलों की संख्या 25,000 के पार हुई। दिल्ली में कोरोना के 1,447 नए मामले हुए दर्ज, पॉजिटिविटी रेट 8.10% से घटकर हुआ 5.58%। ट्रेन की चपेट में आने से रेलवे कर्मचारी ने बचाई शख्स की जान, घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। मध्य प्रदेश में बुलडोजर पर बैठकर अपनी बारात ले जा रहे इंजीनियर का वीडियो हुआ वायरल, ड्राइवर पर पुलिस केस दर्ज किया। 7 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ असम में गिरफ्तार किए गए पिता पुत्र। शख्स ने मनाली के होटल में पत्नी संग प्रेमी देखकर प्रेमी को गोली मारकर हत्या के बाद की आत्महत्या। अपनी प्रोफाइल के साथ 27 वर्षीय शख्स ने तमिलनाडु में लगवाए दुल्हन चाहिए के पोस्टर। कियारा आडवाणी और वरुण धवन की जुग जुग जियो को IMDb पर मिली 10 से 9 रेटिंग।